नमस्कार, भव्य श्री न्यूज से मैं नुपुर। बहुत दुखद खबर, महान क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का कल गुरुवार को निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की है। 1962 में टीम के कप्तान रह चुके गोस्वामी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। बंगाल के किशोरगंज जिले में उनका जन्म हुआ। उन्होंने भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिसमें रोम ओलंपिक शामिल था। वे बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले। इन्हें बहुत सारे सम्मानित अवार्ड मिले हैं। गोस्वामी ने 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार जीता। अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री से भी नवाजे गए। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय डाक विभाग ने उनके 82वें जन्म दिवस पर भारतीय फुटबॉल में योगदान के लिए विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। यह भारतीय डाक विभाग का एक पुरस्कार या सम्मान कहा जा सकता है। 2005 में उन्हें मोहन बागान रत्न से नवाजा गया। वह 5 सत्र में टीम के कप्तान रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी मोहन बागान क्लब के लिए ही खेला। 1968 में वे रिटायर हुए थे। 1970 के दशक में भारतीय फुटबॉल के चयनकर्ता भी थे एवं 1996 में वे फुटबॉल लीग के सलाहकार समिति का हिस्सा भी बने। उनके निधन पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में शोक प्रकट किया गया है। AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्लन पटेल ने कहा, यह सुनकर दुखद हुआ कि भारत के महान फुटबॉलरों में से एक चुनिंदा अब नहीं रहे। भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वह भारतीय फुटबॉल भी स्वर्णिम पीढ़ी का पर्याय बने रहेंगे। चुनिंदा आप हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। लगातार भारत का 3 सितारा, प्रथम इरफान खान, दूसरा ऋषि कपूर और अब चुनिंदा को हम खो चुके हैं। हम भव्याश्री एवं दुनिया की तरफ से इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये अक्सर हमें याद आते रहेंगे। इन्होंने एक अलग इतिहास लिखा है जो सदैव भारतीय सूची में एक पदक के रूप में दर्ज रहेगा। धन्यवाद।